हेलो एवरीवन वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस दिस इज प्रवीण हेयर टुडेज एमसीक्यू फॉर बायोलॉजी इज इन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डैश इज नॉट अ कैटेगरी स्टूडेंट ये टॉपिक आपका टेक्सोनॉमिक कैटेगरी द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से लिया गया है जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात आती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिव वर्ल्ड में कितने आपके जो सिस्टम्स हैं दिए गए हैं क्लासिफिकेशन के लिए

हैं टेक्सोनॉमिक टेक्सोनोमिकटेगरीज लेकिन इसमें जो डी ऑप्शन है ये यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है डी ऑप्शन के लिए सही हो जाएगा स्टूडेंट जैसे ये पूरा रहता है इसका सिस्टम रहता है इसमें सबसे नीचे स्पीशीज आती है स्पीशीज के बाद जीनस आता है ग्रुप ऑफ जीनस इज कॉल्ड फैमिली आफ्टर फैमिली ऑर्डर आता है ऑर्डर के बाद क्लास आती है देन फाइलम वर्ड इज यूज फॉर एनिमल के लिए और सबसे इंक्रीज करती है ये भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में लार्जेस्ट या सबसे डाइवर्स ग्रुप कौन सा होता है डाइवर्स कैटेगरी कौन सी होती है देन आपका आंसर किंगडम हो जाएगा और सबसे सिंपलेस्ट पूछा हुआ होगा यह इस तरह से पूछा हुआ होगा किस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म ज्यादा होते हैं तो आपका आंसर स्पीशीज होगा और सबसे बेसिक यूनिट अगर पूछा होगा या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ ये इस तरह से हरार की वर्ड यूज किया जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हरार की पूछा जाए एक्चुअली ये हरारकी क्या है हरारकी ये अरेंजमेंट जो पूरी तरह से ये अरेंज किया हुआ है इनको ठीक है कैटेगरी को एक साथ अरेंज किया हुआ है तो इन्हें हम टेक्सोनॉमिक हरारकी कहते हैं जिनमें अलग अलग हर एक जैसे ऑर्डर एक कैटेगरी है फैमिली एक कैटेगरी है इन कैटेगरी को मिला के ये जो अरेंजमेंट है इसे हम टेक्सोनॉमिक हरारकी कहते हैं तो क्वेश्चन में आपको ये बता रही थी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हरारकी पूछा जाएगा स्टूडेंट तो भी आपका आंसर स्पीशीज होगा वन मोर थिंग जैसे कि पूरी कैटेगरीज है मैं दोबारा से लिख देती हूँ सबसे ऊपर किंगडम आता है देन देन फाइलम और और डिवीजन एंड एंड क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस सबसे नीचे स्पीशीज तो स्टूडेंट इसको आपको एक चीज समझनी है दो वर्ड यहाँ पे यूज होते हैं एक वर्ड है दैट इज आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और दूसरा वर्ड आता है आपके लिए टेक्सा तो इन दोनों वर्ड में क्या जो है डिफरेंस है जैसे क्या होता है ये हर एक कैटेगरी को हम यहाँ पे रैंक भी बोल देते हैं क्या वर्ड यूज होता है रैंक और उस रैंक के लिए टेक्निकल एक जो टर्म यूज हुई है ठीक है वो टैक्सॉन यूज हुई है टेक्सॉन जो है हम कहते हैं इसको सिंगुलर वर्ड में और प्लूरल में उसे टैक्सा कहा जाता है ठीक है तो कंफ्यूज नहीं करना है रैंक वर्ड भी कई बार यूज होता है टेक्सॉन टेक्सा वर्ड भी कई बार यूज होता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी वर्ड यूज होता है ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्ट जो है स्टूडेंट करते हैं कैटेगरी को ही रैंक कहा जा रहा है और टेक्सॉन टेक्सा जो है एक ही चीज है इनमें कंफ्यूज आपने बिल्कुल भी नहीं करना है स्टूडेंट ओके okay? uh, इस तरह से सिंपल से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड देन योर आंसर शुड बी क्लास ग्रुप ऑफ जीनस इज कॉल्ड फैमिली इस तरह के बेसिक क्वेश्चन इसी हरारके से स्टूडेंट बनते हैं अब मैं आपको यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस सीरीज में आगे करवाने वाली हूँ तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ये सीरीज अगर आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर